नागपुर के स्टार सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से एक पेशेंट की जान चली गई है। पेशेंट को सांप काटने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था और पेशेंट 75% ठीक भी हो चुका था, लेकिन स्टार सिटी हॉस्पिटल के स्टाफ ने उन पर ध्यान न देकर लापरवाही दिखाई, जबकि स्टाफ की लापरवाही से उस व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई है। स्टार सिटी हॉस्पिटल की निंदाजनक लापरवाही से नागरिक भी नाराज है। बंद करो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अनिल बड़वाई मुर्दाबाद। अनिल बड़वाई मुर्दाबाद। अनिल बड़वाई मुर्दाबाद। अनिल बड़वाई मुर्दाबाद। मैं मृतक दीपक चौधरी उसका भाई बोल रहा हूँ। हमने यहाँ पे दीपक को ग्रीन सिटी हॉस्पिटल में जब लाए थे तकरीबन 2 बजे लाए थे और डॉक्टर प्रसाद ने 100% रिकवर होने का चांस भी दिया था और उसने ये भी बोला था कि आप कहीं भी लेके जाओगे। हम मेडिकल में लेके जा रहे थे, मेडिकल में उन लोगों ने ले जाने दिए नहीं और उन लोगों ने बोले कि हम 100% यहाँ पे रिकवर करवा के देंगे। उसके बाद में फिर यहाँ स्टार सिटी हॉस्पिटल में हमने डायलिसिस के लिए लाए थे। वो समय में राठौर जो डॉक्टर है, राठौर डॉक्टर ने भी बोला था कि 95% हमारे इसमें रहेगा, हमारे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसमें हमारी पूरी जांच हो जाएंगी। पहले दिन यहाँ पे जब डायलिसिस हुआ उस टाइम में 50% चांस बताए थे, 50% वो दिन तो निकल ही गया था। फिर दूसरे दिन 6 घंटे का डायलिसिस हुआ, उसमें 75% रिकवर हो गया था और डॉक्टर ने भी बोला, प्रसाद ने भी बोला था, डॉक्टर ने भी बोला कि अपना पेशेंट 75% रिकवर हो गया है। और जब मैं उससे, मेरे भाई से जब मैं बात किया रात में जाके, तब वो पूरा रिकवर हो गया था, उसमें कोई स्वेलिंग नहीं थी, कुछ नहीं थी। उसने बाकायदा नाम लिया, मेरा नाम लिया, उसके बाद में बोला भी कि मेरे को टॉयलेट लगी है, टॉयलेट लेके जाता हूँ। मैं बोला नहीं भाई, मैं बोला आराम कर, तो वो आराम भी किया उसने। उसके बाद में फिर आईसीयू बेड में रात में जाने देते नहीं है, रात में लॉक लगा हुआ था सब। सुबह जब हम जाके देखे 5 बजे तकरीबन यहाँ पे अंदर जाके देखे, डॉक्टर को फ़ोन किए, पहले जाके देखे तो लॉक लगा हुआ था। डॉक्टर को फ़ोन लगाया, डॉक्टर ने 2 बार यहाँ पे फ़ोन लगाया, इन लोगों ने किसी ने डॉक्टर का फ़ोन रिसीव नहीं किए। उसके बाद में जब डॉक्टर के साथ में हम लोग गए तो डॉक्टर ने दरवाजे को 2 बार लात मारा जोर जोर के, वैसी वो एक नर्स निकली, आग कोसती हुई निकली और वो जैसी लॉक दरवाजा जैसी खोलती है वैसी हम अंदर गए, देखते हैं तो पेशेंट हमारा भाई निकल गया था। टाइमिंग पूछे, किसी को टाइमिंग भी पता नहीं थी, यहाँ कितने बजे निकला क्या निकला। ऑक्सीजन साइड में गिरा था, पूरी नली का अलग अलग गिरी थी और ऊपर में कुछ लाइन भी नहीं था, कुछ नहीं था और पूरा ब्लड निकला हुआ था, नीचे गिरा हुआ था, उस पर उन्होंने चद्दर ढक के रखे थे। उसके बाद में हम लोग को कैसा, हम लोगों को कुछ समझ में आया नहीं। और डॉक्टर राठौर ने यह शब्द में बोला, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, साले वो बोलता है तुम लोगों के लापरवाही की वजह से अपना पेशेंट निकल गया, और रोने लगा। उसके बाद में फिर हम लोग नीचे आए, उतने में उन लोगों ने सब साफ सफाई चालू कर दिए थे। बस डॉक्टर लोगों की, हाँ डॉक्टर लोगों के 100% लापरवाही की वजह से, क्योंकि 75% पांचवा दिन था, पांचवे दिन में 75% रिकवर हो गया था। उसने बाकायदा बात वात करना, स्वेलिंग वगैरह करना सब निकल गया था टोटली। और डॉक्टर ने खुद होके बोला भी ना, वो उसको देख के भी बोला, हमारे को मालूम था ना कि 75% रिकवर हो गया है। और उन लोगों ने खुद होके अपनी गलती मानने भी की है कि हमारे लापरवाही की वजह से पेशेंट गया है। अभी हमारे को हमारे भाई के छोटे छोटे बच्चे है, इनको न्याय चाहिए और न्याय के लिए हम आगे बढ़ेंगे। बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।